सोशल मीडिया पे आपको ट्रोल किया जाता है, आपकी फैमिली को टैग किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है। मैं आज भी अपने लोगों घर का अता पता देने में 50 बार सोचता हूँ लोगों को, मेरे दिमाग में एक पता नहीं क्यों एक इनसिक्योरिटी से रहती है। रिपोर्टर नाम का जो इंस्टीट्यूशन है वो धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं रिपोर्टिंग कैटेगरी से बाहर निकल आया हूँ और मैं अपने आप को एंकर या संपादक मानता हूँ, नहीं, उसकी बहुत बड़ी वजह मुझे लगता है कि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के इवॉल्व होने से, टेक्नोलॉजी के इवॉल्व होने से, जो न्यूज़ मेकर्स हैं उनको न्यूज़ रिपोर्टर्स की ज़रूरत ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शाहरुख खान को इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मन की बात अपने फेसबुक पे जाके, अपने ट्विटर पे जाके, अपने फैन पेज पे जाके लिख देते हैं और हम वहाँ से पढ़ते हैं। सेम चीज़ नरेंद्र मोदी जी अपने बारे में जो कहना चाहते हैं वो अपनी ट्वीट कर देते हैं, बता देते हैं, या मन की बात कर लेते हैं एक तरफा और वो छप जाता है, चल जाता है। तो रिपोर्टर क्या कर रहा है? रिपोर्टर का काम सिर्फ ग्राउंड रिपोर्टिंग करना थोड़ी है कि एक्सीडेंट हो गया तो स्पॉट पे पहुंच गया, दिखा दिया। वो ये वाली रिपोर्टिंग, ग्राउंड इवेंट्स तो चलते रहेंगे। मैं रिपोर्टर नाम की वैसी भी आवश्यकता अब नहीं बची है, मतलब वैसी, मतलब उसको मैं रिपोर्टर नहीं मानता हूँ, वो तो आप आंखों देखा हाल बता रहे हो, कई मौके पर मौजूद हो। लेकिन रिपोर्टर मतलब जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती थी, जो आप खबरें निकाल के लाते थे। स्टिंग ऑपरेशंस होने के बाद नेताओं का भरोसा खत्म हो गया, नेताओं का या पेज थ्री की सेलिब्रिटीज़ कह लीजिए, अब वो पहले जो आपस में दोस्ती या संबंध बन जाते थे अब वो बनते नहीं हैं, वो आपसे खुल के बात नहीं करते हैं, आप उनसे खुल के बात नहीं करते हैं क्योंकि आप भी ट्रोल होते हैं। आप भले ही न्यूज़ एंकर हैं, आप भले ही बहुत दुर्रमखा होंगे, पर आपका भी अपना एक सोशल मीडिया प्रेजेंस है और सोशल मीडिया पर आपको तुरंत टैग कर दिया जाता है। तो ये सोशल मीडिया नाम की चीज़ आई, इसने मुझे ऐसा लगता है लोगों को जोड़ने की बजाय ये सोशल कम रह गया है। इसका नाम सोशल नहीं होना चाहिए, अनसोशल होना चाहिए। मैं अनसोशल बोलने से बचना चाहता हूँ नमिता, शोषण बोलना चाहिए। पत्रकारिता को खत्म कर दिया है, बाकी लोगों को जोड़ा, जैसे आप और मैं सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हैं ना अभी, तो ये टेक्नोलॉजी का फायदा भी है। पर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसने ना काम बनाने की बजाय काम बिगाड़े ज्यादा है, चाहे किसी भी लेवल पर देख लें। तो मेरा ये कहना है कि एज एन रिपोर्टर और एज एन एडिटर आज की डेट में जो लोग काम कर रहे हैं और अगर वो अपनी नैतिकता बचा कर रखे हुए हैं और वो अपनी पत्रकारिता को नैतिकता के पैमाने पर दस्तक ही दे पा रहे हैं, अगर वो काम भी कर पा रहे हैं तो भी बड़ा काम कर रहे हैं, वो भी उनके लिए, मेरे लिए उनका सलाम है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत मुश्किल दौर है ये, तमाम प्रेशर्स हैं, तमाम दिक्कतें हैं, सोशल मीडिया पे आपको ट्रोल किया जाता है, आपकी फैमिली को टैग किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं। ये आदमी की निजी ज़िंदगी और व्यावसायिक ज़िंदगी में अंतर होना चाहिए। ये जो लोग ट्रोल्स पे हैं, जो ट्रोल करते हैं या जो IT सेल्स हैं या जो ग्रुप्स हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई मैं काम कर रहा हूँ ना, आपको मुझसे शिकायत है, मुझे आप गाली दीजिए, मेरे काम की आप समीक्षा करिए, आप आलोचना करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी आलोचना सुनने को तैयार हूँ, क्योंकि जब मैं किसी और के काम की आलोचना करता हूँ तो मेरे काम की भी आलोचना होगी, मैं उसके लिए। पर उसकी वजह से मेरे घर को निशाना बनाना, मैं आज भी अपने लोगों घर का अता पता देने में 50 बार सोचता हूँ लोगों को, मेरे दिमाग में एक पता नहीं क्यों एक इनसिक्योरिटी से रहती है। इट्स लाइक दिस सर। तो आप सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं और ट्रोल्स की बात कर रहे हैं, तो आपकी जब आप एंकरिंग करते हैं तो उस पे बैक ऑफ द माइंड आपका क्या चलता है कि मैं कितना सच बोलूं, मैं क्या बोलूं कि मैं बाद में ट्रोल ना हो जाऊं, मतलब वो कितना अफेक्ट कर रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ? पहले करता था, पहले जो कमेंट्स फीडबैक्स आते थे आपके शो के दौरान, लाइव, अब तो सब लाइव चलता है, हमारे जमाने में हम संपादक के नाम चिट्ठी लिखते थे तो एक हफ्ते के बाद छपेगी कि नहीं छपेगी पता नहीं चलता था, कई बार रिजेक्ट हो जाती थी, कई बार छप जाती थी, कई बार एक ही चिट्ठी चार जगह भेजी और चारों जगह छप गई, ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि कोई कभी पायनियर में छप गई, कभी जनसत्ता में छप गई, कभी नवभारत में छप गई। अब उल्टा है, तुरंत लाइव कमेंट आते हैं, तुरंत लाइव रिएक्शंस आते हैं, तुरंत आपको एक कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है, सुझाव दिए जाते हैं, आप ये क्यों नहीं पूछते हैं, आपने उसको बीच में टोका क्यों नहीं, अब ऐसा बोल रहा था डिबेट शोज के दौरान स्पेशली। तो मुश्किल तो होती है नमिता उस चीज़ से निकलने में, लेकिन तरीका एक ही है, आपको मोटी चमड़ी का बनना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ लोगों को इग्नोर करें,
क्योंकि अगर आप सबको इंगेज करेंगे तो जो भी ट्रोलर है वो दरअसल आपको इंगेज करने ही आता है, राइट। अगर इंगेज हो गए उसके साथ तो आपने उसको पहली बात तो सैंक्टिटी दे दी, और वो क्या कोई नाम पता नहीं है जो किसी एक्स वाई जी नाम से आपके ट्विटर हैंडल पे है, जिसकी कोई तस्वीर नहीं है, तस्वीर उसकी ओरिजिनल है कि नहीं है, उसका कोई बायो नहीं लिखा हुआ है, उसके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, और आपका सब कुछ उपलब्ध है उसके पास जी। और आप उसको एंगेज अगर कर लेंगे तो आप किसी एक नॉन एंटिटी को आप इम्पोर्टेंट पार्ट बना देंगे अपनी लाइफ का। तो धीरे धीरे सीखा, गलतियों से सीखा, पहले इंगेज हो जाता था, पहले रिस्पॉन्स करता था, फिर जो अच्छे सुझाव लगे उसको एक्सेप्ट करना स्वीकार किया, जो बुरे सुझाव लिखे उसके लिए धन्यवाद केवल कह के चुप हो गया ताकि आप खुद गुस्सा शांत हो जाए। दैट्स हाउ यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। इट्स लाइक दिस।